ओके गाइस, तो ये है जेब्रोनिक का 5.1 साउंड बार जुक बार 7400 प्रो 5.1। ठीक है, इसको मैं अभी पार्ट पार्ट खोलूँगा, फिर खोल के मैं सब कुछ बताऊँगा इसके बारे में, इसका रेट, इसका बिल्ड क्वालिटी, इसके साउंड वगैरह सब के बारे में सही जानकारी मिल गई यहाँ पे। बस दोस्तों, बस बात इतना है कि आप लोग बस वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को आप लोग शेयर करो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जहाँ मन करे वहाँ शेयर करो। और अभी हाल ही फ़िलहाल मैंने अपना फेसबुक का पेज भी बनाया है, तो वहाँ पे भी जाके आप लोग लाइक और फॉलो करो, क्योंकि सबसे पहले जो अपडेट आएगा अनबॉक्सिंग का वहीं आने वाला है। ठीक है, इंस्टाग्राम का भी दिया होगा, मैं सारे अनबॉक्सिंग के जितने भी वीडियोस और पोस्टर सब के सब वहाँ पे डाला हुआ है, और मैं सबका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह जाके आप लोग एनरोल करो। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट, पूरे पैकेट को खोल खाल के ये निकला है। ये दो साउंड बार है छोटा छोटा, ये बड़ा वाला साउंड बार, ठीक है, और ये बूफर है बड़ा वाला, ठीक है। ये इसके रिमोट वगैरह सब यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये वॉल माउंट करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी आप इसको टांग भी सकते हो, ठीक है। तो अब इसको प्लास्टिक से निकाल के अनरैप करके देखेंगे कि कैसा है, और फिर साउंड वगैरह भी चेक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये खुल चुका है पूरी तरह से, और थोड़ा टाइम लग गया इसको सेटअप को समझने में, ठीक है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे इसका सेटअप के बारे में कहीं बढ़िया से नहीं दिया हुआ है। दिमाग ख़राब हो गया मेरा ढूंढ ढूंढ के कैसे इस, बेसिकली इस छोटे से जो साउंड बार के साथ आता है ये छोटा सैटेलाइट वाला, इसको कैसे कनेक्ट किया जाए। ठीक है, तो एक बार के लिए काम करना बंद कर देता, फिर बढ़िया से कनेक्ट किया तो पता चला अच्छा यहाँ से कनेक्शन होगा। कनेक्शन के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, इस फोटो को बढ़िया से देख लो तो इससे भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये है छोटा साउंड बार, ठीक है, बढ़िया। ये है बूफर बड़ा वाला, ठीक है, पूरा इमेज नहीं आ रहा है, इसको बढ़िया से मैं इमेज दे दूंगा। ठीक है, ये आपका बूफर है और ये हो गया आपका साउंड बार, और ये हो गया आपका मेन साउंड। ये ऑन करके रखा है मैंने, जस्ट इसको मैंने प्ले किया था टेस्ट करने के लिए। कनेक्शन कुछ ऐसा होगा कि ये जो येलो वाला मैं देख रहा हूँ, ये येलो वाला, ये आपका बड़ा बूफर का है, ठीक है, ये छोटा वाला जो है इन दोनों का है, इन दोनों का है, तो ये इन दोनों का इसमें आएगा। देख लो, एक वाइट वाला में डाल देना और एक रेड वाला में डाल देना, और ये जो येलो कलर का है ये येलो में ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया बूफर, ये हो गया दोनों सेटेलाइट साउंड बार। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बहुत कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आपका एक ये हो गया आपका पेंटर वगैरह, सिर्फ म्यूजिक बजाने के लिए हो गया। यहाँ पे आप मोड चेंज कर सकते हो ये इस वाले बटन से, यहाँ पे भी प्लस माइनस दिया हुआ है, वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से ऑफ कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, और अभी ये देख रहे हो कि बीटी मतलब ब्लूटूथ मोड में है। ठीक है, मोड आप चेंज कर सकते हो, सपोज़ अगर मैंने ये वाला बटन टीपा, आ गया ये मोड वाला बटन टीपा, तो देखो क्या होता है। आप देखोगे यहाँ पे ऑक्स वाला हो गया, आप यहाँ पे ऑक्स केबल लगा सकते हो। ठीक है, ऑक्स कहाँ लगेगा, ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है नीचे ये वाला चीज़, ये ऑक्स है, इससे आप टीवी वी कनेक्ट कर सकते हो, इससे टीवी वगैरह कनेक्ट होगा। उसके बाद वापस से चेंज करते हैं इसको ओपी। ठीक है, अब ये क्या होगा, इससे ऑप्टिकल, ये ओपी से ये यहाँ से कनेक्ट होगा, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह। ठीक है, इससे ये कनेक्ट कर सकते हो ओपी से। अब लास्ट वाला देखते हैं क्या है, उसके बाद एच डी मतलब HDMI। अब जिसके पास स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करना है, तो डायरेक्ट इसमें डाल दिया और इससे डायरेक्ट स्मार्ट टीवी में डाल दिया, तो ये हो गया आपका स्मार्ट टीवी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन को बजाना है ब्लूटूथ से, तो हम वापस आएंगे। ओ सॉरी, ये तो ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, और इसको हम चेंज करेंगे ओपी एचडी बीटी ब्लूटूथ। अब चलो टेस्ट करते हैं इसके साउंड को। ठीक है, चलो इसको बजाते हैं, बजा के देखते हैं कि कैसा बजता है। ठीक है, इसके साउंड को अब चेक किया जाए। ओके, रेडी, इसको
मेरी गल सुन बोलीता ऐ पर मेरी बचियां दी मामा तू है काबल काबल लख नु कमा थोड़ा वाबल वाबल मैं हूं एक डाय काबल काबल गर्ल आई वांट टू नो आई वांट टू बी माय एरोगर तो ये था इसका साउंड जो कि ज़बरदस्त था और ये फुल वॉल्यूम पे था 32 पे। यहाँ पे आप यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोल है जिसके साथ आप मोड वगैरह भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे TR है, TR माइनस है, SW SW माइनस है, प्लस है। इससे ये आपका सेंटर माइनस सेंटर मतलब इससे सेंटर वाला कंट्रोल होगा, सराउंडिंग प्लस सराउंडिंग माइनस, ये सराउंडिंग वाला कंट्रोल होता है। ठीक है, अब किस मोड में सुनना है, म्यूजिक मोड में सुनना है, मूवी मोड में सुनना है, न्यूज़ मोड में सुनना है, स्पोर्ट मोड में सुनना है, सब का सब यहाँ पे आपका बढ़िया से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे मोड यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं कि जिस मोड में चाहिए उस मोड में आप बचा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है, यहाँ पे अंदर में यहाँ डिस्प्ले करोगे तो यहाँ पे अगर रीसेट करोगे तो फुल रीसेट हो जाएगा सिस्टम। पेयर करना है तो पेयर करने के लिए इसको यूज करो। इनपुट अगर किसको इनपुट कोई डालना है तो यहाँ पे ये इससे यूज कर सकते हो, म्यूट भी कर सकते हो, पावर ऑन ऑफ का बटन भी है। तो ओवरऑल क्वालिटी देखें, अगर इसकी ओवरऑल क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है। साउंड क्वालिटी भी भाई 5.5 है। डॉल्बी का इसमें साउंड लगा हुआ है, डॉल्बी साउंड सिस्टम इसमें। बूफर भी बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट डील। इस बिग बिलियन डे में मेरे को बहुत बढ़िया डील मिला, वो कम रेट में मिल रहा था। जब मैंने इसको परचेस किया था इट वाज 6800, बट अभी इसका रेट अराउंड 9000 हो रखा है। मे बी आने वाले टाइम में और कम होगा, तो आपको इसको चेकआउट करते रहना चाहिए। तो अगर आपको ये साउंड बॉक्स चाहिए तो आप बेसिकली इसके साथ जा सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।